नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र प्लम्बर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्लम्बर वीडियो। आज हम बात करेंगे कि पीवीसी पाइप में इंच को एमएम में क्या बोलते हैं। पहले जो वीडियो बनाया था वो जीआई पाइप का था। जीआई पाइप में इंच और एमएम अलग होते हैं और पीवीसी में अलग होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आधा इंच को कितने एमएम, पौना इंच, एक इंच, डेढ़ इंच, हर साइज़ का हम एमएम में। जब कोई कह देगा कि हमारे पास 110 एमएम है तो हम इसको कैसे समझेंगे, तो उसी हिसाब से आज हम पाइप जो पीवीसी इंच है उसको हम एमएम में बदल के दिखाएंगे। पिछला वीडियो जीआई का था, तो आधा इंच पीवीसी को हम अगर एमएम की बात करें तो 20 एमएम का पाइप ये बनता है आधा इंच का। और यही पाइप अगर जीआई में हम बात करें तो 15 एमएम ही होता है दोस्तों। पीवीसी का एमएम जीआई से ज़्यादा होता है, अलग होता है। पौना इंच पीवीसी की बात करते हैं तो पौना इंच में 25 एमएम हो जाता है, और अगर जीआई एक इंच पाइप है तो वो 32 एमएम का पाइप हो गया। उसी तरह से पीवीसी में अगर 1/4 इंच का पाइप है तो 1/4 इंच 40 एमएम का हो गया। डेढ़ इंच पाइप को पीवीसी में कितने एमएम बोलते हैं, कोई अगर पूछे कि डेढ़ इंच पाइप है तो कितने एमएम बोलते हैं, तो ये 50 एमएम हो गया। ये पीवीसी का मैं आज आपको एमएम बता रहा हूँ। 2 इंच का पाइप 63 एमएम हो गया पीवीसी में। उसी तरह से 2.5 इंच पाइप की बात करते हैं तो 2.5 इंच में ये 75 एमएम का हो गया। अगर कोई कहे कि 75 एमएम का पाइप है तो आप समझ लेना कि ये 2.5 इंच का पीवीसी का पाइप है। 3 इंच का जो पाइप है पीवीसी में उसका 90 एमएम होता है, यहाँ 90 एमएम। और 4 इंच अगर पीवीसी पाइप है तो 4 इंच 110 एमएम होता है। उसी तरह से अगर जीआई में बात करते हैं 4 इंच की तो वो 100 एमएम ही होता है। ये पीवीसी का बता रहा हूँ मैं। पीवीसी अगर 5 इंच पाइप है तो 5 इंच पाइप को अगर हम एमएम में लिखते हैं तो 140 एमएम हो गया। और 6 इंच पाइप को अगर हम एमएम में लिखेंगे तो ये 160 एमएम का पाइप हो गया। उसी तरह से अगर हम 8 इंच पाइप की बात करें पीवीसी की तो ये 200 एमएम का पाइप होता है। 10 इंच पाइप की एमएम में अगर कन्वर्ट करें तो ये 250 एमएम पाइप कहलाता है। तो अब आप एक बार फिर से देख सकते हो, अगर हम पीवीसी पाइप को कहें कि 200 एमएम का पाइप है हमारे पास तो समझ लेना कि 8 इंच का पाइप बोल रहा है। तो उसी हिसाब से ये आपको पता होना चाहिए हर प्लम्बर भाई को। ये अलग अलग सबके मैंने लिख दिए हैं सबके सामने, तो ये आप समझ सकते हो जीआई का एमएम और पीवीसी का एमएम में अलग अंतर होता है दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करना। मैंने पिछले जो वीडियो डाला था वो जीआई पर था और ये पीवीसी पर है, दोनों के एमएम में फ़र्क होता है। तो धन्यवाद दोस्तों।